वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉग विथ अमित में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने परानुभाव वीडियो बनाई थी, तो आज है 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति का त्यौहार है। तो हमने दिखाया था पिछली बार परानुभाव में जो मेला लगता है दिव्य भव, तो आज हम लोग फिर से जा रहे हैं फैमिली के साथ। अपनी गाड़ी आ चुकी है, अब इसी में से जा रहे हैं हम परानुभाव। तो आइए दोस्तों चलते हैं, हम आपको परानुभाव वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी पर, ये देखिए अब आपको चलते हैं परानू बाबा का वीडियो दिखाते हैं और घूमते हैं वहाँ के भीड़ और मेला और विराट दंगल दिखाते हैं। तो दोस्तों हम निकल चुके अपनी गाड़ी से, ये आ गया अशोक चौराहा बरगढ़, जो कि आगे अब आपको दिखाएंगे रास्ते। ये हमारा सूरज भवन विद्यालय महाविद्यालय है। अभी हम दोस्तों निकल चुके हैं रास्तों से, अब आगे आपको ये हम आ गए बरगढ़ स्टेशन। बरगढ़ थाना भी यहीं पे है, जो कि अब आगे ये आगे दोस्तों हम बरगढ़ मोड़। अब यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे परानू बाबा है। ये देखिए दोस्तों, रास्ते से ही परानू बाबा के रास्तों में ही कितनी भीड़ है, तो आप सोच सकते हैं कि मेले में कितनी भीड़ होगी। दोस्तों हम फाइनली परानू बाबा आ चुके हैं अपनी कार से, अभी हम ले उतरते हुए, अब उसके बाद आगे चल के दिखाते हैं हम आपको परानू बाबा की भीड़ और परानू बाबा का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों यहीं से रोड से देखिए कितनी भीड़ शुरू हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ है। अभी हम केवल परानू बाबा के मेन रोड पे घुस अंदर ही आए हैं कि यहीं से भीड़ मेला देखिए, कितनी सारी दुकानें, भीड़ मेला लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, एक से एक दुकानें लगी हुई हैं पूरा, ये देखिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़, जो हमने बताया था करीब लाखों 1.5 लाखों की भीड़ होगी यहाँ पे। ये हमारे भाई मिल चुके हैं, और हिमांशु भाई क्या हालचाल है, मेला का मजा उठाते हुए हमारे हिमांशु भाई? बहुत अच्छा मजा आ रहा है। हाँ, ये दंगल भी बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए तो आगे दोस्तों आइए दिखाते हैं, और रहा कितनी भयानक भीड़ है यहाँ पे, देख लिए एक से एक दुकानें लगी हुई हैं। अभी तो हम सिर्फ परानू बाबा मंदिर के तो आप पहले उतरे, यहाँ इतनी भीड़ है, अंदर आपको चल के दिखाते हैं कितनी सारी भीड़ें होंगी, एक से एक नज़ारे आपको दिखेंगी। ये देखिए दोस्तों, हम परानू बाबा के मंदिर पे आ चुके हैं, अब ये चौराहा हो गया, यहाँ भीड़ देखिए चारों तरफ। अब यहाँ से एक बार दृश्य देखिए तो भीड़ की, दोस्तों ये हमारी माते भी हमारे साथ है मेला में, देखिए मनोरंजन करते हुए। दोस्तों ये देखिए कितने अच्छे बैलून लगे हैं, जो कि रंग बिरंगे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गन्ने की भी दुकान लगी हुई है, जो कि भाई साहब बेच रहे हैं। दोस्तों देखिए ये परानू बाबा का भीड़, आप सोच सकते हैं पैर रखने तक की जगह नहीं है, कितनी काफ़ी सारी भीड़े हैं। दुकान भी बहुत काफ़ी लगी हुई है, भीड़ आप देख ही सकते हैं। परानू बाबा का प्रवेश द्वार, यहाँ भी काफ़ी भीड़ है। दोस्तों ये है परानू बाबा का प्राचीन मंदिर, जो कि बहुत ही पुराने दशकों से यह चला आ रहा मंदिर। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखिए काफ़ी लोगों के भक्तों की भीड़ भी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर से। हमारा विराट जंगल जो कि चल रहा है, वहाँ भी काफ़ी सब भीड़ है। तो दोस्तों आप पिछली वीडियो जो हमारी पड़ी है वो ज़रूर आप देखिएगा, पूरा परानू बाबा का क्या चीज़ है, क्या महत्व है यहाँ का, वो हमने बना रखा है। तो आप लोग उस वीडियो को भी डिस्कशन बॉक्स में जाके हमारी जरूर। तो दोस्तों ये मेला हम दिखा चुके हैं आपको, अब आपके चलते हैं विराट दंगल की ओर, जो कि बहुत ही शानदार चल रहा है यहाँ पे। आइए दिखाते हैं हम आपको विराट दंगल की सीन, भीड़ देखिए लोगों की। देखिए दोस्तों यहाँ पे विराट दंगल शुरू हो चुका है,
काफी दूर दूर से पहलवान आए हुए हैं। अब भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ भीड़ भीड़ आप देखिए कितनी भयानक भीड़ है, चारों तरफ खचाखच भीड़। तो दोस्तों यहाँ पे पहलवानी शुरू हो चुकी है दो पहलवानों के बीच, अभी दिखाते हैं हम आपको पूरा पहलवानी की वीडियो। कहाँ कहाँ के पहलवान ये लड़ रहे हैं इसमें, हटो आगे से भाई, चार जने तो आगे ये समय समाप्त। Come on!
20 जन का तो अंदर घुसे रहे हैं। तो दोस्तों अभी अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुश्ती हो चुकी है। अभी पहलवानी होगी। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म जलेबियाँ निकलती हैं मेले के अंदर। ये देखिए कितनी बेहतरीन से भाई साहब ने निकाल रखी है गुड़ की सेक जलेबी। अब आगे भीड़ देखिए, काफ़ी लोगों की भीड़, काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं मेले के अंदर। तो दोस्तों ये 2023 का पहला मेला है जो कि परानू बाबा में, परानू बाबा बरगढ़ में लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं आपको कुंड की तरफ, वहाँ भी दिखाते हैं लोगों को भीड़। तो हम दोस्तों ये देखिए कुंड के पास आ चुके हैं। घने जंगलों के बीच में यह परानू बाबा मंदिर स्थित है। तो देखिए ये कितनी भीड़ है कुंड के पास, काफ़ी लोग अपना सेल्फी लेते हुए, काफ़ी लोग बिजी हैं, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी लोग भी आ जा रहे हैं। अभी सुबह के 11 ही बजे हैं, इतनी भीड़ है, शाम तक समझिए कितनी भीड़ होगी। ये देखिए सब लोग अपना अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने में बिजी हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, पानी 12 महीने यहाँ रहता है। और आपको कुंड भी अभी नीचे होकर दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए निर्मल पानी, ये 12 महीना बहते रहते। ये कुंड है दोस्तों जो कि दिव्य कुंड है, यहीं परानू बाबा का यह कुंड है, यहीं रहते थे परानू बाबा। ये देखिए सावन के समय दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा हरियाली रहती है और पानी बहुत ही रहता है, बहुत ही मनोरंजन दृश्य रहता है। देखिए ये पानी अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है अभी। ये है भगवान शंकर जी की मूर्ति जो कि कुंड के पास बनी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी